हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर टेक बैरन यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो बर्थडे बैनर एडिटिंग के बारे में होने वाला है। तो क्या होता है, आपके दोस्त का बर्थडे आता है और आपको उसके बर्थडे का बैनर एडिट कर लेना होता है, लेकिन आपको नहीं आता। तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब जो कर रखा है, नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में हमें सर्च कर लेना है मराठी बर्थडे बैनर ऐप। ओके, इसे सर्च कर लेने के बाद देखिए ऐप पे फर्स्ट नंबर पे आ गया है। और इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको ये ऐप नहीं मिल रहा तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फोटो एडिट गैलरी ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको सिंपली फोटो एडिट पे जाना है और फोटो एडिट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें से एक बैनर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेकंड नंबर वाला पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से मैं ये वाला बैनर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद कैमरा और गैलरी, ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको कैमरे में फ़ोटो खींचना है तो आप कैमरे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और गैलरी में से लेना है तो गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं गैलरी से फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी गैलरी में से इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया है। तो आप कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट भी कर सकते हो और इसे क्रॉप भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है, जूम इन या फिर जूम आउट करके इसे एडजस्ट कर लेना है। और इसे मैं सिंपली अब स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए गाइस, ये मेरा फोटो अब फिट हो गया है। और जो भी इस पे शेर व शायरी होती है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिख लेना है तो टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ओके, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये रहा मेरा टेक्स्ट और मैं कुछ इस तरीके से इसे कहीं पे भी फिट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद हम इसकी फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम्स हमें देखने के लिए मिल जाती है और हम इस पे इस फोटो पे कुछ इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ओके, और इसके बाद अब हम इसे सेव कर लेते हैं। ओके, सेव। ओके, तो अब मेरी इमेज गैलरी में सेव हो गई है। तो अब मैं इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकता हूँ। इस तरीके से कुछ आप अपने दोस्त का बर्थडे बैनर एडिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।